और मैं हूँ जुही। तो फ्रेंड्स, मेरे एक व्यूअर्स ने दही वड़ा की रेसिपी की डिमांड की थी, जिनके डिमांड पे मैं आज लेकर आई हूँ दही वड़ा की रेसिपी। दही वड़ा एक लजीज भारतीय डिश है जिसे कि हर उम्र के लोग पसंद करते हैं और इसे हम आसानी से अपने घरों में उपलब्ध सामग्रियों से बना सकते हैं। तो चलिए आज हम बनाना शुरू करते हैं दही वड़ा। दही वड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है 1 कप उड़द दाल, ये 500 ग्राम उड़द दाल है। इसे अच्छे से धुलकर 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। इसे पानी में भिगोए हुए 6 घंटे हो गए हैं। अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ, ऐसे नाखून से कट करके इसे चेक कर लेंगे। इसे मैंने एक बड़े से छन्नी में डाल दिया है ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। अगर आपके पास ये वाली छन्नी नहीं है तो आप इस दाल को किसी प्लेट में फैला सकते हैं ताकि इसका पानी सूख जाए। इस उड़द दाल को मैं जार में डालती हूँ, इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसमें बिल्कुल थोड़ा पानी यानी 2 से 3 स्पून पानी इसमें डालेंगे और इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। मैंने यहाँ ऐड किया है 2 स्पून पानी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने यहाँ बैटर तैयार कर लिया है। बैटर इतना गाढ़ा होना चाहिए ताकि इसमें वड़ा आसानी से बन सके। बैटर को लाइट और फल्की होने तक हम अच्छी तरह से फेटेंगे। इस बैटर को चम्मच या हाथ से भी आप फेंट सकते हो। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 7 से 8 मिनट टाइम लग जाएंगे इसे फेंटने में। तो फ्रेंड्स, बैटर को आप जितना ही अच्छा फेंटोगे आपका वड़ा उतना ही लाइट और फल्की बनेगा। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे मालूम चलेगा हमारा बैटर तैयार है या नहीं, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो हमने लिया है 1 बाउल में पानी, उसमें बैटर को डालेंगे। अगर हमारा बैटर ऊपर की तरफ तैरने लगे तो इसका मतलब कि बैटर तैयार है। तो आप देख सकते हो यहाँ हमारा बैटर ऊपर की तरफ तैरने लगा। अब ये बैटर रेडी है। ध्यान रहे इस बैटर को अधिक से अधिक फेंटना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है। आप बैटर को जितना ही अधिक फेंटोगे उतना ही ये लाइट और फल्की बनेगा। इस बैटर में मैंने ऐड किया है 1/2 स्पून नमक छोटी स्पून से, ऐसे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और मैंने यहाँ ऐड किया है अदरक, एक छोटा अदरक का टुकड़ा जिसे मैं कद्दूकस करके इसमें ऐड कर लेती हूँ। अब मैं इस बैटर में ऐड करती हूँ 1/2 स्पून जीरा पाउडर। इन सभी सामग्री को डालने के बाद इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। तब तक मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसे अपनी हथेलियों के सहारे सपाट कर लेंगे और इसे बीच में एक होल बनाएंगे। इसे मीडियम आंच पे डीप फ्राई करना शुरू करते हैं। ऐसे फ्लेम को कम करके धीमी आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकाएंगे। इन डीप फ्राई बड़ों को पानी भरे बाउल में डालेंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक भिगो कर फिर इसे निकाल लेंगे और अपने हथेलियों के बीच में रखकर इसे धीरे धीरे दबाएंगे जिससे कि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। ये प्रोसेस आप चाहें तो कर ले, वो आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है। मैंने यहाँ लिया है 700 ग्राम ताजा दही और इसमें मैं ऐड करती हूँ 2 स्पून छोटी स्पून से चीनी और 1/2 स्पून नमक। ऐसे चीनी और नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे।
इसे मिक्स कर लेती हूँ ताकि चीनी और नमक दही में अच्छे से मेल्ट हो जाए। तब तक मैं दही वड़ा मसाला तैयार कर लेती हूँ। जीरा को सूखा भून लेती हूँ जब तक कि इसका कलर ब्राउन ना हो जाए और इसे खुशबू ना आने लगे, तब तक इसे भूनेंगे। मैंने जीरा को ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है। अब मैं दही वड़े के लिए दही तैयार कर लेती हूँ। मैंने यहाँ लिया है छोटी स्पून से 3 स्पून जीरा पाउडर। एक छोटी स्पून से 1/4 मिर्ची पाउडर लिया है हमने। यहाँ हमने लिया है थोड़ी सी ये ब्लैक साल्ट यानी काला नमक। सभी सामग्री को डाल के हमने दही को अच्छे से मिक्स करके इसमें वड़े को डाल दिया है। दही वड़े को गार्निश करने के लिए हमने धनिया पत्ती को बारीक काट लिया है। हरी मिर्ची और प्याज इन सभी को मैंने बारीक काट लिया है। हमने यहाँ लिया है इमली का पानी और टमाटो सॉस। दही वड़ा बनके रेडी है। अब मैं इसे सर्विंग बाउल में डालती हूँ। इसके ऊपर से गार्निश के लिए मैं डालूंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, धनिया पत्ती, प्याज, चिली सॉस, टमाटो सॉस, इमली का पानी, चाट मसाला। इन सभी सामग्री को डाल के मैं इसे गार्निश कर लूंगी। हमारी दही वड़ा बनके रेडी है। अब हम इसका आनंद उठा सकते हैं। दही वड़ा एक फेमस नॉर्थ इंडियन डिश है जिसका आनंद आप किसी भी मौसम में उठा सकते हैं। इस रेसिपी को हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ही अपने घरों में दही वड़ा बनाइए, खाइए और अपना अनुभव हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।